कहाँ से आए भैया? ग्वालियर। अच्छा, ये आपका बच्चा है? नहीं, भाभी जी। भाभी जी का बच्चा। कितने साल का है बच्चा? चार साल का। चार साल का है। रात को कहाँ थे आप? रूम में थे। बच्चा भी वहीं था। तो आपको नहीं लगता कि चार साल के बच्चे को आपको इतने बड़े धाम में लाना चाहिए? इतना ठंडा है, बर्फ है, मौसम है। चाहे उसकी आने की उसकी इच्छा है कि आप लाए उसको? नहीं, उसकी। अरे भाई, आपकी इच्छा है केदारनाथ आने की? है? हाँ, बोल रहा है। अरे बच्चे पे लगाओ भाई साहब, बच्चा दिखा दे जरा। आपकी इच्छा है केदारनाथ आने की? आपकी इच्छा है? आपको पता कौन है केदारनाथ में? कौन है वो? तो आप शिकार हो यार भैया। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार, चार साल के बच्चे को क्या मतलब यार, भगवान बोले शंकर, अभी वो खेलने खेलने की उम्र, उसे पता ही नहीं है कौन है। ठीक है भक्ति भाव, ठीक है, होगा बच्चे के अंदर। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे इतना ठंडा होता है, बर्फ़ पड़ता है, बारिश होती है। आप लाइन में कब से खड़े हो ये बताओ मुझे? लाइन में तो टाइम हो गया अभी, काफ़ी टाइम हो गया ना। अभी आपको चार घंटा और लगेगा। अब चार घंटे तक आपका बच्चा भूखा पासा रहेगा? नहीं, हो गया भूखा। अरे यार, उसको पोटी आएगा, सुसु आएगा, भूख लगेगा, चार घंटे में नहीं लगेगा उसको भूख? कहाँ से लाओगे आप अभी उसके लिए खाना? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, अभी आप लाइए, बाकी लोगों को बोलो कि छोटे छोटे बच्चे मत लाओ। और केदारनाथ में ना रूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा भी नहीं कि रूम पर छोड़ दो आप। ठीक है।